नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A03s versus EQ Z6 Lite 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A03s में 2.99 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A03s में 0.36 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A03s में 196 ग्राम जबकि Z6 Lite 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A03s में TFT LCD जबकि Z6 Lite 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A03s में 6.5 इंचेस जबकि Z6 Lite 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A03s में 720x1600 और Z6 Lite 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A03s में 81.85% जबकि Z6 Lite 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A03s में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Z6 Lite 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A03s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Z6 Lite 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। चिपसेट की बात करें तो A03s में MediaTek Helio P35 और Z6 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो A03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की रैम मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A03s में अप टू 1TB जबकि Z6 Lite 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A03s में Android V11 जबकि Z6 Lite 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A03s में 3 कलर्स जबकि Z6 Lite 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीज
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z6 Lite 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy A03s में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oneplus Z6 Lite 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z6 Lite 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है, दूसरा Poco M4 Pro है, तीसरा Nokia G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।